वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान का बेहतरीन कारनामा, अवामी शिकायत पर बरवक्त कार्रवाई करते हुए अवाम को पहुंचाई राहत। वाज़ेह नाज़रीन के कल एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल के ज़रिए हमने एक वीडियो शेयर की थी जो कि आज़मपुरा के सैफा मस्जिद से थी, जहां पर मस्जिद के सदर और मस्जिद के ज़िम्मेदारान की जानिब से दोपहर 2 बजे के वक्त ही मस्जिद को मुखफ़िल करते हुए नमाज की अदायगी के लिए आने वाले मुसल्लियों को वापस भेज दिया जा रहा था। और मुसल्लिया ने अपने बयान में कहा था कि सैफा मस्जिद जहाँ पर 1:15 पर ज़ुहर की अजान है, जिसके बाद हर कोई अपनी अपनी सहूलत के हिसाब से यहाँ पर आकर नमाज़ें व तिलावतें करते हैं, लेकिन रमज़ान के महीने से अक्सर मस्जिद को 2 बजे ही मुखफ़िल करते हुए मस्जिद के लाइट्स और फैंस बंद कर दिए जा रहे थे। इस बात की इतला वक्फ बोर्ड चेयरमैन को मिलते ही वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने फिलफौर तरीक़े से इस मामले पर कार्रवाई करते हुए ख़ुद शख्सी तौर पर मस्जिद का दौरा किया और मस्जिद के सदर व दीगर ज़िम्मेदारान की इस तरह की मनमानियों पर शदीद बरहमी व नाराज़गी का इज़हार किया और कहा कि मस्जिद किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं होती, बल्कि मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह का घर हर किसी के लिए हमेशा खुला रहता है और कोई मस्जिद का सदर नहीं होता, बल्कि सभी मस्जिद के खादिम होते हैं, यहाँ तक कि वो ख़ुद भी मस्जिद के एक खादिम हैं। उन्होंने अपने ओहदे के साथ मुकम्मल इंसाफ करते हुए और अवाम की परेशानियों को समझते हुए मस्जिद के ज़िम्मेदारान को इंतबाह दिया कि अगर आज के बाद इस तरह की हरकत होगी तो इनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने फिर एक मरतबा अपने चेयरमैन होने का बेहतरीन सबूत पेश करते हुए अवाम के लिए रियल हीरो साबित हुए। अगर हर महकमे के ज़िम्मेदारान इसी तरह से बेहतरीन इंसानी हमदर्दी के जज्बे और ईमानदारी से अपनी खिदमात अंजाम देंगे तो बहुत सारी अवाम को राहत मिलेगी। जो कल से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था कि सैफा मस्जिद आज़मपुरे में कि 2 बजे के बाद से यहाँ पे ताला डाल दे रहे हैं, मस्जिद को मुसल्लियों को अंदर आने नहीं दे रहे। अब यहाँ के हम इंक्वायरी करें तो ये बोल रहे हैं कि नटूटियाँ चोरी हो रही, बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है, ये सब गलत चीज़ें हैं, गलत बुनियादी तौर पर ये बात कर रहे हैं। लिहाजा मैं मुसल्लियों से और यहाँ के मस्जिद के सदर साहब से, किसी से भी, कोई मस्जिद का सदर कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के, ये अल्लाह का घर है, मस्जिद का सदर सिर्फ अल्लाह होते हैं। मैं भी एक खादिम हूँ, मैं चेयरमैन हूँ, बल्कि मैं ऐसी कोई नहीं, कभी भी रमजान बोल के नहीं, कभी भी कोई मस्जिद को जोहर के बाद मुसल्लियों को जल्दी बाहर भेज रहे, ताला डाल दे रहे, ऐसी हरकत नागवार है और ना हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ऐसी चीज कोई दूसरे महल्ले में भी या पूरे स्टेट में कहीं हो रहे तो आप आके हमारे दरखास्त दीजिए, इंशाल्लाह हम इसके ऊपर जरूर एक्शन। कोई ताला डालने का वही नहीं है, धुपकाला है, छोटे मोटे कारोबार करने वाले है, कोई अगर छांव में भी ठहरा तो कल के दिन आप छांव में से हटा देंगे क्या? ये अल्लाह का घर है, कोई इसको ताला नहीं डाल सकते। जो भी आप कभी भी आके नमाज पढ़ सकते, मुसल्लियाँ हैं, चाहे मस्जिद के रहने दीजिए, रोड पे जाने वाला इंसान भी मस्जिद में रुक के नमाज पढ़ता है, तो क्या आप 2 बज गए चले जाओ लॉक डाल दिए बल्कि नहीं बोल सकते? ये किसी का अख्तियार नहीं है।